जैसे हर एक किरदार को एक मंच की जरूरत होती है, वैसे ही एक बेटी को उसकी बढ़ती उम्र में उसके बाप की जरूरत होती है। हेलो एवरीवन, खुशी नारायण मायसेल्फ डी यू साउथ कैंपस इको ऑनर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज का जो मेरा पीस है वो हिंदी में परफॉर्म कर रही हूँ, जो कि पिछली बार इंग्लिश में किया था। सो इट्स अबाउट एक बेटी जब 10 साल की होती है तो वो अपने बाप से बिछड़ जाती है, तो उसकी फीलिंग क्या होती है। सो इट्स अबाउट दैट, वो क्या है ना, मुझे सनराइज देखना बेहद से ही हमेशा पसंद रहा है, पर मुझे क्या पता था कि सोमवार 19 अप्रैल 2011 का वो दिन मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि दुख ला रहा है। I was just 10, barely entered class 5 when I got the news my father was no more. I couldn't even possibly think what the hell just happened. Like my world obviously turned upside down. बस इसी बाप बेटी के किस्सों को कुछ शब्दों में बयां किया है। बेटी कहती है, अभी तो मैंने जन्म ही लिया था, फिर क्यों इतनी जल्दी हाथों से हाथ छूट गए? अभी तो मैंने आपको पापा कहकर पुकारना शुरू किया था, फिर क्यों आपने इतनी जल्दी मुझसे अपना रुख मोड़ लिया? पापा, आपको याद है ना, गली के गुड्डू भैया से जब आप क्लीन शेव करा के घर आते थे, आपके चेहरे से आती वो खुशबू मेरी सबसे पसंदीदा खुशबू हुआ करती थी। पर आपको पता है, आज भी जब फादर्स डे पे दोस्तों की स्टोरीज में उनके पापा को उनके साथ देखती हूँ तो दुखी नहीं होती हूँ बल्कि खुश होती हूँ कि कम से कम उनके सर पे उनके पिता का हाथ आज भी है। जब भी किसी एप्लीकेशन फॉर्म में फादर्स नेम लिखना होता है तो आपके नाम के आगे डेट लगाना पड़ता है। पापा, आपको याद है कैसे हम आधी रात को आपकी गाड़ी में बैठे लॉन्ग राइड पे जाया करते और आपका फेवरेट गाना, जो मेरा फेवरेट बन चुका था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और याद है 2009 में आपकी बुलेट पे रात को निकल, जब हम चांदनी स्वीट स्पेशली सर्द रातों में 2-2 सॉफ्टी खाने जाया करते थे मम्मी से छुप कर, और जब आप बोर्ड पे तेज चलाया करते थे मैं बोलती थी पापा अब हम गिरेंगे इतना, फिर भी स्लो नहीं करते थे और इसी का शिकश मैं आपको का स्किप कर लिया करती थी, लेकिन अगर पता होता आपकी मेरा और ये आखिरी हक है शायद कभी छोड़ती ही ना। But I really wish I could feel that comfort again. पापा, चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये कुर्ती या आपका दिया छोटा सा इयररिंग जिसका एक हिस्सा मैं खो चुकी हूँ, 9 साल की थी जब आपने मुझे गिफ्ट किया था ना, आज आके खोलो, 10 साल हो गए ना पापा, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा सुनो, आप जब मेरे बर्थडे पे रात को मुझसे मिलने आओगे ना तो 1 किलो घेवर लेते आना, और हाँ मेरी पसंदीदा वो गुलाबी शर्ट ही पहन कर आना। जब मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी होगी तो मेरा बाप नहीं होगा कन्यादान करने के लिए, तो सोचती हूँ, खुश होती हूँ, दुखी नहीं, कि हर शादी में से बाप ही कन्यादान करते हैं, पर मेरी शादी में मेरी माँ को मौका मिलेगा।